दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय स्मार्ट केयर पैथोलॉजिकल लैब इन पब्लिक फेवर। नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और लॉन्ग मार्च पनवेल पुलिस केयर ने नागरिकों के की शांति की अपील। जी हाँ, राज्य में भोंगा की राजनीति तो चली रही है, आप सभी जानते हैं भोंगा राजनीति। जी हाँ, भोंगा। और अब तो चौथा अल्टीमेटम, जी हाँ, राजनीतिक पार्टियां जो चौथा अल्टीमेटम दे चुकी हैं, उसके बाद डीसीपी शिवराज पाटिल ने नागरिकों से शांति और अमन बनाए रखने के लिए कहा है। सभी नागरिकों को शांति और अमन बनाना है और उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरत पड़े तो पुलिस हमेशा तैयार रहेगी। तो अभी जो रमजान का महीना चालू है और कल रमजान ईद भी है और उसके साथ अक्षय तृतीया का सन भी है, तो ये दोनों के पार्श्वभूमि पे हम शहर में, पूरे पनवेल शहर या पूरे परिसर में, नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में हम रूट मार्च हम कर रहे हैं। जो भी बड़े त्यौहार आते हैं उसके हिसाब से नागरिकों के बीच में एक शांतता का माहौल बनना चाहिए और उनमें एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, इसलिए हम रूट मार्च हमेशा करते हैं। उसी के हिसाब से कल का त्यौहार है, इसके हिसाब से हम पिछले 3-4 दिन से हर एक पुलिस स्टेशन के हद्दी में रूट मार्च कर रहे हैं। और नागरिकों को मेरा यही आह्वान रहेगा कि कोई भी अफवाह आए तो उसके ऊपर ध्यान मत दो। अगर कोई आपके इलाके में कोई भी घटना होती है या कोई बदमाशी करता है तो उसका इन्फॉर्मेशन पुलिस को तुरंत दे, ताकि हम तुरंत वहाँ पे पहुँच के कोई आगे दुर्घटना ना हो और पीसफुल माहौल बना रहे। तो नागरिकों को यही आह्वान है कि शांतता हमारे शहर में है वैसे ही बरकरार रखने में पुलिस का सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई, उल्वे न्यूज।